माई चैनल। तो आज का वीडियो एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, जो कि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही थी कि प्लीज आप अपना एक हेयर कट वीडियो डालें। तो मैंने उसमें एक और चीज ऐड कर दी है, दैट इज टू कलर माई हेयर। आई वॉज विलिंग टू कलर माई हेयर फ्रॉम सिंस वेरी लॉन्ग, एंड मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपने हेयर को कलर दूं। आई वॉन्टेड अ सिंपल ओम्ब्रे कलर, जो कि ओम्ब्रे इफेक्ट, जो कि आपको दिख रहा होगा अगर लाइट्स कैप्चर कर रही हूं तो। बहुत ही सिंपल सा लाइट ओम्ब्रे, आई डिडंट वांटेड दैट ब्लीच वाला टच, तो आई ऑप्टेड फॉर द लॉरियल हाइलाइट्स हेयर कलर, एंड सो दैट कॉस्टेड मी फॉर अप्रोक्सीमेटली ₹350। एंड बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था हेयर कट वाला, मैंने उसमें एड कर दिया है हेयर कलरिंग एज वेल। That is a simple U-shape cut, nothing very fancy, nothing very, you know, difficult या कुछ ऐसा। बहुत ही simple haircut है मेरा। Starting से I wanted, I had a very, you know, that feather haircut and that step वाला haircut, क्योंकि उस समय fashion था, but then eventually I came upon this U-shape. And मेरा हेयर कट यू शेप ही है। एंड देन वॉट आई डू इज आई यूजली ट्रिम माई हेयर फ्रॉम यू नो फ्रॉम दी एंड्स, क्योंकि वहीं से हमारे हेयर बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं, तो मैं यूजली हेयर ट्रिम कर लेती हूँ। एंड नॉर्मली घर पे ही कर लेती हूँ, बाहर जाने की कोई उसमें जरूरत मुझे लगती नहीं है। तो मैं आज बताऊंगी कि मैं कैसे हेयर ट्रिम कर लेती हूँ मेरा सिंपल हेयर कट, दैट इज द यू शेप, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट हाउ आई कलर्ड माय हेयर एंड गॉट दिस ओम्ब्रे शेड, जो कि अभी उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, आई गेस लाइट्स में उतना क्लियर नहीं है, बट बहुत बहुत प्रिटी ओम्ब्रे शेड है ये। अगर आपका भी आपके भी हेयर ब्राउन है, लाइक रूट से आपके हेयर ब्राउन आते हैं मेरे जैसे, और अगर आप बहुत एक बहुत ही नॉर्मल सा एक शेड चाहते हो ओम्ब्रे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो फॉर श्योर। अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने कैसे अपनी हेयर कट की और हेयर कलर किया, तो बने रहिए इसी वीडियो पे, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं बहुत 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 बड़ा गिव अवे कर रही हूँ, जाकर जरूर एक बार चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गिव अवे बहुत अच्छा गिव अवे है, तो मेकअप लवर्स जल्दी से जाइए और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को चेक कर लीजिए, और बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक, और आपको पता चलेगा कि मैंने ये हेयर लुक कैसे पाया। तो या लेट्स हेड अप टू द वीडियो नाउ। सो गाइज, मैंने अपनी टी शर्ट चेंज कर ली है और मैंने एक ओल्ड टी शर्ट पहन ली है, क्योंकि मुझे हेयर कलर भी करना है और कटिंग भी, तो उसके लिए ओल्ड टी शर्ट आप जरूर एक पहन लें, अदरवाइज आपकी अच्छी टी शर्ट खराब हो जाएगी। देन आई हैव डिवाइडेड माई हेयर इंटू टू पार्ट्स, एंड मैंने काफी अच्छे से अपने बाल कॉम कर लिए हैं, जिससे कोई भी टैंगल्स ना रहे। सो बेसिकली मुझे ऊपर से हेयर कट नहीं चाहिए है, मुझे सिर्फ नीचे के अपने रफ एंड्स को निकालना है, एंड आई हैव टू रिमूव दीज रफ एंड्स। तो मैं अभी नीचे से अपने बाल गीले कर लूंगी, क्योंकि वो ज्यादा ईजी कर देता है हेयर कट को करना। आई हैव दिस बाउल, इसमें पानी है, एंड मैंने अपने बाल इसमें सारे डुबो दिए, जिससे कि मेरे नीचे के एंड्स जो हैं वो गीले हो जाएं। अगर आपके पास स्प्रे है तो यू कैन यूज अ स्प्रे एज वेल, एंड आपको जितने भी बाल काटने हैं उस हिसाब से आप अपने बाल ले लें। जैसे कि मुझे बेसिकली मुझे इतने हेयर काटने हैं, ऑलराइट, तो मैं इससे थोड़ा सा आगे ही करके लूंगी, इतने लूंगी पहले, धीरे धीरे करके आप काटें। एकदम से जो आपको लेंथ चाहिए वो आप एकदम से ना काटें, अदरवाइज वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है बाद में, तो धीरे धीरे करके काटें। तो बेसिकली मैंने सबसे पहले नीचे के हेयर काट, आगे बढ़ के काटते जाएं अपने हेयर को और इन्हें लेवल में करते जाएं। लुक, तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप अपने बाल काट लें, और जहां भी आप बाल काटें नीचे एक पेपर जरूर बिछा लें, अदरवाइज मम्मी डांटेगी। तो ऐसे ही हम दोनों साइड के हेयर के एंड्स को काट लेंगे। ध्यान रखें कि बाल गीले में ही करें, वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उससे लेंथ का अच्छे से आपको पता चल जाता है कि आपने कितने बाल काटने हैं। एंड दोनों साइड्स पे मैं ऐसे ही काट लूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आगे कैसे काटने हैं। तो चलिए मैं दोनों साइड्स पहले कट कर लेती हूँ।
मेक श्योर कि आप अपना हेड स्ट्रेट रखें और हेड थोड़ा सा भी ऐसा या ऐसा ना करें, अदरवाइज लेंथ में प्रॉब्लम जा सकती है, बाल ऊंचे नीचे हो सकते हैं. तो इसीलिए अपने हेड को स्ट्रेट रखें वाइल कटिंग योर हेयर. मैंने काट दिए हैं जितने मुझे काटने थे, जितने मुझे रफ लग रहे थे. तो अब फ्रंट के लिए व्हाट आई डू इज आई पार्ट माय हेयर. लाइक मैं इतने इतने हेयर लेती हूं एंड देन नीचे से इसे गीला करके आई कट इट रैंडमली. लाइक इस यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे स्लांट वे में जा रहे हो. तो धीरे धीरे करके और अब इतना ही पार्ट इस सेक्शन का लेना है ऑलराइट. एंड देन इसे भी इस साइड को भी हमें इसी तरह से काटना है एंड इसको भी थोड़ा सा गीला कर ले. तो ये पार्ट भी मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है एंड इसको भी मैं उसी वे में काट लूंगी. मेक श्योर कि आपके आगे के ये जो एंड्स हैं ये सेम रहें. तो इधर से ही स्टार्ट करना है मुझे राइट फ्रॉम हेयर. ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, आप अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लें. अब आप ये मेक श्योर करें कि आगे के जो हमने ये फ्लिक्स सॉर्ट ऑफ फ्लिक्स तो नहीं, ये जो आगे के हमने पार्ट काटे हैं ये सेम लेंथ के हों. मेक श्योर दिस. एंड मैं ऐसे ही अपने हेयर जो एंड्स हैं ड्राई एंड्स हैं उन्हें निकाल लेती हूँ. तो दिस वॉज माय हेयर कट वीडियो. हाँ, आप एक चीज और अश्योर कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई you know, हो ऐसा हेल्प करने वाला तो वो देख ले कि पीछे से बाल एक लेंथ में हो तो बेटर है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो वाली प्रॉब्लम आ सकती है. तो एक बार वो क्रॉस चेक करा लें. टेक्निक मेरे लिए तो काफी अच्छे से वर्क करती है. तो अब हम बढ़ते हैं हेयर कलरिंग वाले पार्ट पे और देखते हैं कि मैंने अपने हेयर कैसे कलर किए विथ जस्ट रुपीज 350. लाइक 350 की चीज से मैंने अपने हेयर कलर किए. तो सबसे पहले हम उसकी अनपैकेजिंग कर लेते हैं क्योंकि उसे मैंने अभी तक खोला भी नहीं है एंड देन वी विल डू द कलरिंग पार्ट. ऑलराइट, तो हेयर कट तो मैंने कर ली है और मैं बहुत सिंपल हेयर कट करती हूँ. अब देखते हैं कि हेयर कलर कैसे करना है घर पर ही. एंड मैंने काफी ज्यादा अफोर्डेबल हेयर कलर चूज किया है बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वी फाइंड इट वेरी कॉस्टली कि हम बाहर से हेयर कलर कराते हैं और बहुत महंगा पड़ता है हमें. तो आई हैव फाउंड दिस सॉल्यूशन. लेट्स सी कि ये हमारे लिए कैसा वर्क करता है. सो या आई हैव दिस लॉरियल हाइलाइट्स, लाइक एक्सलेंस लॉरियल एक्सलेंस फैशन हाइलाइट्स. एंड आई टुक टू पैकेजेस क्योंकि मेरी हेयर लेंथ बड़ी है एंड आई थिंक मुझे दो पैकेट्स तो लग ही जाएंगे आराम से. अगर आपकी हेयर लेंथ छोटी है तो आपको एक ही लग सकता है, नो प्रॉब्लम. बट अगर आपकी हेयर लेंथ बड़ी है मेरे जैसी या इससे भी ज्यादा तो आपको 2 to 3 पैकेट्स लग जाएंगे बहुत आराम से. तो उस हिसाब से आप खरीदिए. ये एक पैकेट 350 का है तो दो पैकेट्स मुझे पड़े 700 के. एनीवेज नो प्रॉब्लम क्योंकि मैंने ओम्ब्रे, मुझे चाहिए ओम्ब्रे,
मुझे इधर से हाइलाइट्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नीचे से ओम्ब्रे। अगर आपके हेयर का कलर ब्लैक है तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ओम्ब्रे कराओ, क्योंकि वो उतना बेटर नहीं लगता है। मेरा जो हेयर कलर है दैट इज नेचुरली ब्राउन, तो इसलिए मैंने ऑप्ट किया कि मैं ये हनी ब्लॉन्ड शेड मैंने लिया है, एंड देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। सबसे पहले तो इसे ओपन कर लेते हैं, आई हैवंट ओपन्ड इट येट, और देखते हैं कि हमें पैकेट में क्या क्या मिल रहा है। लेट्स ओपन दिस अप। ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग दैट आई गेट इज दिस ब्रश, आई गेस दिस इज फॉर द हाईलाइट थिंग। अगर आप ऊपर से हाईलाइट करना चाह रहे हो तो आप ये ब्रश काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, इससे काफी इक्वल डिस्टेंस पे आपके हाईलाइट्स आ जाएंगे। तो दिस इज फॉर दोज जो ऐसे कर रहे हैं। देन आई गेट दिस कंडीशनर, बिकॉज ऑब्वियसली हेयर कलर करने के बाद आपको शैम्पू से वॉश नहीं करना है, जो इनके साथ कंडीशनर इन्होंने दिया है वही आपको यूज करना है। तो आई यूज द सेम। देन वी गेट दिस कलरेंट एंड या दिस डेवलपर। तो दोनों पैकेट्स में सेम ही होगा आई गेस, एंड हेयर इज द मैनुअल, इसमें सारे आई गेस इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। लेट्स ओपन दिस अप। एंड ऑल्सो अ पेयर ऑफ ग्लव्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपके हाथ खराब हो जाएंगे। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन, हमें दोनों जो चीजें हैं वो एक बाउल में मिक्स करना है, एंड देन अपने हिसाब से जितना भी आपको चाहिए उतना लगा लेना है। देन वी हैव टू वेट फॉर 45 मिनट्स एंड देन द कलर विल शो अप। तो बेसिकली आई डोंट थिंक 45 मिनट्स विल वर्क फॉर मी, बिकॉज मेरे बाल बहुत थिक हैं, और तो मैं इसे रखूंगी एक घंटे से डेढ़ घंटे के बीच में। एंड सो या, लेट्स मिक्स दिस अप एंड सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, तो मैंने दोनों जो है वो मिक्स कर लिए हैं, एंड इतना प्रोडक्ट मुझे मिला है, अप्रोक्सीमेटली एक बाउल आई गेस इतना मुझे काफी होगा। एंड सो या, अब मैं नीचे के बालों से स्टार्ट करती हूँ, एंड देन वी विल मूव अप टू। मुझे इतने बाल अपने ओम्ब्रे चाहिए हैं नीचे के, तो मैं अपने बालों को चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं कलरिंग करना स्टार्ट करूंगी। What I am doing is मैं नीचे थोड़ा सा ज्यादा कलर यूज करूंगी और ऊपर आते थोड़ा सा कम, क्योंकि बेसिकली मुझे एक ओम्ब्रे शेड देना है जो कि ऊपर से थोड़ा सा लाइट होता है और नीचे से डार्क। ऑलराइट, तो ये मैंने कर लिया है अपने बाल कलर, और इसे मैं रखूंगी अप्रोक्सीमेटली 1 to 1 hour 15 minutes, एंड आफ्टर दैट आई विल वॉश इट ऑफ एंड विथ दैट कंडीशनर, नॉर्मल वाटर विथ कंडीशनर, नो शैम्पू। सो या, मिलते हैं अब हम और देखते हैं कि इस हेयर कलर का क्या पे ऑफ मिला मुझे। So yeah, this was the color payoff that I got. This is the color that I got after 4 to 5 days. तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 4 to 5 days का, एकदम से शावर से निकलने के बाद कलर नहीं दिखता है, तो एकदम से आप जज ना करें इसे, थोड़ा सा टाइम लगता है। दिस इज़ द कलर दैट आई गॉट इन सनलाइट, सनलाइट में ये बहुत प्रिटी दिखता है, एज यू कैन सी आई लव्ड दिस कलर। So yeah, this was the video of my haircut and of how I cut my hair at home and how I color them. And so yeah, अगर आपको video अच्छा लगा हो तो इसे share जरूर कीजिएगा अपने friends के साथ, और channel को subscribe करना मत भूलिए, video को like करना भी मत भूलिए, और bell icon को जरूर दबा दीजिए जिससे आगे मेरे अगर कोई videos आए तो आपको पता चल जाए। And मिलेंगे अब हम next video में, तब तक के लिए bye bye.